और दोस्तों फाइनली कंफर्म हो गया है सैमसंग का M40 काफी ज्यादा कमाल का फोन है। ये फोन आपको 11 जून को Amazon पर देखने को मिल जाएगी, तो अगर आप चाहें तो Amazon पर जाकर के पहली सेल में इसको परचेज कर सकते हैं 11 जून को। लेकिन परचेज करने से पहले मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या कुछ खास देखने को आपको मिलने वाला है इस सैमसंग के M40 में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सैमसंग के M40 को लेकर के तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे पास यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, सैमसंग का M10 आया था, सैमसंग का M20 आया था, सैमसंग का M30 आया था और सैमसंग का अब M40 आ रहा है। ये सैमसंग की जो M सीरीज है काफी ज्यादा कमाल सीरीज है, क्योंकि सैमसंग का M10, 20 और 30 तीनों ही फोन काफी ज्यादा कमाल के फोन है और उनसे भी ज्यादा बेटर बनकर के आ रहा है सैमसंग का M40। तो यहाँ पे अगर मैं सैमसंग के M40 की सबसे पहले डिस्प्ले की बात करूँ यहाँ पे, तो आपको 6.3 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगी। ये डिस्प्ले आपकी पंच होल डिस्प्ले होने वाली है। इसका मतलब क्या है, इस डिस्प्ले के अंदर ही आपको कैमरा देखने को मिलने वाला है फ्रंट वाला, तो मतलब डिस्प्ले तो काफी ज्यादा कमाल होने वाली है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कितने वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा, तो अभी केवल एक ही वेरिएंट में कंफर्म हुआ है, 6GB 128GB स्टोरेज के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। माइक्रो डेडिकेटेड एसडी कार्ड का स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा, वैसे 128GB स्टोरेज काफी होती है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा एसडी कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। वैसे दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा डालो। बात कर लेते हैं हम लोग सैमसंग के M40 के प्रोसेसर के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इस फोन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ये सैमसंग का पहला ऐसा फोन है जिसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। अब तक के जितने भी फोन आते थे वो सैमसंग के सारे एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ आते थे, ये पहला फोन है जो कि क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन के साथ आएगा। तो मतलब क्या है कि फोन की परफॉर्मेंस तो काफी ज्यादा धांसू होने वाली है। वैसे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। बात करते हैं हम लोग सैमसंग के M40 के बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको लार्ज बैटरी देखने को मिल जाएगी, 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा और बॉक्स के अंदर ही आपको 15W का चार्जर भी देखने को मिलेगा। तो बैटरी काफी ज्यादा कमाल है। आपको पता है कि सैमसंग का M30 आया था उसमें भी आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिली थी, इस फोन में भी आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, तो बैटरी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और दोस्तों अगर आपका बजट अंडर 10,000 rupees है या अंडर 7,000 rupees है, तो मैंने दो वीडियो बनाई है अंडर 10,000 rupees में कौन से स्मार्टफोन है जो आपके लिए अच्छे हैं और अंडर 7,000 rupees में कौन से स्मार्टफोन है जो आपके लिए अच्छे हैं। दोनों ही वीडियो का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपको आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा, तो जाकर के आप एक बार उस वीडियो को देख लें, क्या पता उसमें से आपको कोई फोन पसंद आ जाए। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सैमसंग के M40 के कुछ अदर फीचर्स के बारे में, तो आपको बता दूं यहाँ पे प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाएगी, आपको बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉइड 9 पाई पर वर्क करेगा। और दोस्तों आप बात कर लेते हैं हम लोग इसके हाईलाइट फीचर्स के जो इस फोन को बहुत ज्यादा तंगड़ा बनाता है। जी हां फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं इसके कैमरे को लेकर के। इस फोन में आपको 4 कैमरे देखने को मिलेंगे, 3 कैमरे बैक में देखने को मिलेंगे और 1 कैमरा आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे इसके बैक कैमरे की, तो 32 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का, 3 कैमरे आपको बैक में देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट कैमरे की बात करूं यहाँ पे, तो 32 मेगापिक्सल का ही आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन ये कैमरा आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस फोन के ओवरऑल कैमरा तो काफी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि सैमसंग का अगर 32 मेगापिक्सल का कैमरा है तो काफी ज्यादा तंगड़ा कैमरा होता है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये फोन आपको 11 जून को देखने को मिलेगा। कैमरा अच्छा होना और प्रोसेसर अच्छा होना, डिस्प्ले अच्छी होना, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, बहुत ज्यादा करती है, लेकिन सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है वो करती है प्राइस। जी हाँ फ्रेंड्स, इस फोन की प्राइस भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने वाली है। सैमसंग का M30 आया था वो 16,000 रुपए का फोन आया था और ये फोन आपको 19,990 रुपए में देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस फोन को परचेज करना चाहते हो तो आपको 20,000 रुपए पे करने पड़ेंगे और 20,000 रुपए में मुझे नहीं लगता कि आपके लिए बेकार ऑप्शन होगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि ये 20,000 रुपए में काफी सारे फोन को कम्पीट करने वाला है। बाकी आप क्या सोचते हैं सैमसंग के M40 के बारे में
मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।